नमस्कार योगिताज रेसिपीज में मैं योगिता मोहिते आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले पापड़ी की रेसिपी जो हम भेल में और शेवपुरी में इस्तेमाल करते हैं और किसी भी चाट में ये पापड़ी मस्त लगती है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं इसके लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स की आवश्यकता लगने वाली है। आज हम पापड़ी बनाते हैं तो पापड़ी के लिए मैदा लिया मैंने एक कप, यहाँ पे दो टेबलस्पून देसी घी लिया, नमक लगेगा, पाव टी स्पून अजवाइन लिया है, पानी लगेगा, तेल लगेगा तलने के लिए। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैदा लेंगे एक बाउल में, उसमें पाव टी स्पून मैंने अजवाइन डाली, दो टेबलस्पून यहाँ पे देसी घी वो लेना है हमें, नमक डालेंगे हम स्वादानुसार डालिए, पहले इसे मिक्स कर लेंगे, बाद में इसे थोड़ा थोड़ा पानी में आटा गूंद लेना है हमें अच्छी तरह से, घी मिक्स होना चाहिए। अभी थोड़ा थोड़ा हम पानी मिलाएंगे और इसका एक डो बनाते हैं। ज्यादा सख्त नहीं और ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं, ऐसा मीडियम ऐसा आटा हमें गूंद लेना है। अब आटे में थोड़ा सा तेल का हाथ लगा देंगे और इसे 10 मिनट के लिए हम बाजू में रख देंगे और बाद में इसके हम पूरियां बेलने वाले हैं। 10 मिनट बाद देखिए इसे फिर से एक बार इसे मसल लेंगे। अभी इसकी तीन लोइयां बनाते हैं हम। इसकी मैंने चार लोइयां बना ली है, इसे पतला बेल सके इसलिए मैंने चार बनाई है। इसे अभी ढक करके रखेंगे और एक लोई इसमें से लेंगे हम, थोड़ा सा हम तेल का हाथ लगाते हैं, चाहिए तो आप इसमें आटा भी ले सकते हो। अब हम इसे बेलेंगे पतला, मोटा नहीं रखना है आपको, पतला बेल लेना है हमें। अब फोक की सहायता से हम इसे छेद करेंगे। हमें कड़क पूरियां चाहिए चाट के लिए या किसी भेल बेल बनाने के लिए, तो ये फूलेगी नहीं इस तरह से, इसीलिए इसे ऐसा करना है हमें। अब ये छोटी कटोरी लिए मैंने, हमें छोटी छोटी पूरियां करनी है तो मैंने छोटी कटोरी लिए, इसे अभी हम पूरियां बनाते हैं इस तरह से। जितना पतला हो उतना अच्छा है। देखिए इस तरह से बाकी का हिस्सा हम निकाल देंगे और ये छोटी छोटी पूरियां हम एक प्लेट में निकालेंगे। कितनी पतली बेले देख सकते हो, इतनी हमें पतली चाहिए तो पूरियां फूलेगी नहीं, कड़क हो जाएगी। अभी हम ये सारी पूरियां एक प्लेट में निकालते हैं। पूरियां ऐसे बाजू बाजू में रखें, एक के ऊपर एक ना रखें। अभी हम दूसरा भी पेड़ा ऐसा लेंगे और उससे भी हम ऐसे ही पूरियां बेल लेते हैं। गैस पे कढ़ाई रखी है, गैस ऑन किया है, अभी हम इसमें तेल डालते हैं तलने के लिए और तेल गर्म होने देंगे हम। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अभी गैस की फ्लेम मीडियम करेंगे और एक एक करके पूरियां हम इसमें डाल देंगे। मीडियम से धीमी आंच पे हमें पूरियां फ्राई करेंगे। पूरियां ऊपर आ जाए फिर हम इसे धीमी आंच में फ्राई करेंगे। मीडियम से धीमी आंच पे रखा है मैंने गैस की फ्लेम को, देखिए ऊपर आ चुके हैं। हम इसे पलटी कर देंगे और बड़ी पेशेंस के साथ इसे फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन करना है हमें इसे। देखिए अल्टी पल्टी करके मैंने इसे फ्राई किया है, कैसे गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अभी हम इसमें डिश में निकालते हैं और दूसरा बैच भी हम ऐसे फ्राई करेंगे।
दूसरा बैच भी रेडी हो चुका है, इसे भी निकाल देते हैं प्लेट में। सारी पूरियां मैं ऐसे तरीके आपको बताती हूँ। एक कप मैदे से देखिए कितनी सारी पूरियां बन गई है, और घर में हम लोग आराम से इसे आसानी से बना सकते हैं। देख सकते हो कैसे बनी है, वाओ मस्त, एकदम क्रिस्पी खस्ता बनी है।